मॉर्निंग बच्चों, बच्चे सब कैसे हैं? अच्छे सुरक्षित? देखिए, हमने आपको जो है चैप्टर 16 जैसा करोगे वैसा भरोगे एक्सप्लेन किया था। क्या किया था? जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैंने आपको बताया था ना, इसमें घोड़ा और जो है कौन है, भैंस और घोड़ा जो है लड़ाई करते हैं। घोड़ा कहता है मैं इतना सुंदर हूँ, इतना ताकतवर हूँ। वो भैंस को कहता है तुम तो इतनी मोटी हो, इतनी भद्दी लगती हो, तुमसे तो कोई काम भी नहीं होता है। तो इस प्रकार बातों में दोनों में क्या हो जाती है? लड़ाई। और अंत में जो है, जब घोड़ा जो है जब भैंस जो है घोड़े को बहुत मारती है, मरा कर देती है बच्चों, तब जो है घोड़ा किसको कहता है? मनुष्य को। मनुष्य को कहता है कि आप जो है आप इसको भैंस को मारो और जो है मेरे पीठ पर बैठ जाओ और जो है आप इस लकड़ी लेकर इस भैंस को मार के अधमरा कर दो और बांध दो, फिर आप इसका दूध पीना। तब जो है मनुष्य जो है भैंस को तो बांध लेता है, लेकिन घोड़े को भी पकड़ लेता, कहता है तुम भी मेरे बड़े काम के हो। तो इसलिए कहा गया है कि जो दूसरों के लिए बुरा करता है उसका खुद के साथ भी क्या होता है बच्चों? बुरा होता है। तो जैसा करोगे वैसा बोलोगे, आपको चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया था। आज हम क्या करने जा रहे हैं? इसके क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? क्वेश्चन आंसर। देखो बच्चों, प्रश्न जो है मैं ये वाले जो आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करूंगी, अभी आप ये सुनिए। प्रश्न है पहला, नहर पर पानी पीने कौन कौन आता था? बच्चों नहर पर पानी पीने कौन कौन आता था? तो आप कहेंगे नहर पर पानी पीने भैंस और घोड़ा आता था। नहर पर पानी पीने भैंस और घोड़ा आता था, ठीक है। भैंस और घोड़े में लड़ाई क्यों हो गई? भैंस और घोड़े में लड़ाई इसलिए हो गई क्योंकि जो है भैंस और घोड़ा आपस में लड़ाई करते थे। घोड़ा कहता था भैंस को कि तुम बहुत भद्दी हो, बहुत मोटी हो, तुम तो दौड़ भी नहीं सकती हो, लेकिन मैं कितना पतला हूँ और कितना ताकतवर हूँ कि मैं इतनी तेज दौड़ सकता हूँ। इस प्रकार जो है एक दिन दोनों ने एक दूसरे की परछाई देखी और लड़ाई हो गई, ठीक है। प्रश्न तीसरा है, घोड़ा मदद के लिए किसके पास गया? घोड़ा मदद के लिए मनुष्य के पास गया। किसके पास गया बच्चों? मनुष्य के पास गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य के मना करने पर घोड़े ने मनुष्य को क्या समझाया? मनुष्य ने मना किया ना कि भैंस के तो सींग बहुत तीखे होते हैं, ये तो मुझे मार देगी, मैं इसे मतलब कैसे जो है पकड़ सकता हूँ, मार सकता हूँ। तब घोड़े ने क्या समझाया? घोड़े ने जो है मनुष्य को समझाया कि जो है आप जो है मेरी पीठ पर बैठ जाओ और जो है आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ और एक मोटा डंडा ले लो, मैं जल्दी जल्दी दौड़ता रहूंगा और तुम डंडे से मार मार कर भैंस को अधमरा कर देना। क्या समझाया उन्होंने? उन्होंने मनुष्य कहा कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और एक डंडा ले लो, मैं जो है दौड़ता रहूंगा, मैं जल्दी जल्दी दौड़ता रहूंगा और तुम डंडे से भैंस को जो है डंडे से मार मार कर भैंस को अधमरा कर देना, ठीक है। तो जो है इस प्रकार घोड़े ने मनुष्य को समझाया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चे? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही बनना पड़ता है, अर्थात जैसा करोगे वैसा बनोगे। अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा, और अगर आप किसी के साथ बच्चों अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों, प्रश्न दूसरा, बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरो। बॉक्स में क्या क्या शब्द दिए गए हैं? देखो मैं आपको बॉक्स बनाती हूँ कैसे। इसमें मीठा, बॉक्स में क्या लिखा है? मीठा। फिर है करोगे, ठीक है। फिर है कल, ठीक है बच्चों। फिर है बलवान, फिर है भरोगे, ठीक है। फिर
ये बॉक्स में लिखे गए शब्द हैं। क्या है? शब्द हैं। अब जो है बच्चों देखो, मैं पढ़ती हूँ वाक्य, फिर अपन शब्द पढ़ेंगे। पहला वाक्य है इसमें, गांव में का पानी कटता बह रहा था। तो गांव में इसमें दो खालिस्तान आएंगे। पहले में गांव में तालाब, गांव में एक ये तालाब भी आएगा बच्चों। तालाब भरोगे, कल कर भरोगे, नहर का, गांव में नहर का आएगा इसमें। गांव में नहर का पानी कल कर कटता बह रहा था। तो पहले भी क्या आएगा बच्चों? नहर। दो खालिस्तान है इसमें, गांव में नहर का पानी कल कल, तो इसमें पहले एक ये आएगा और दूसरे में आएगा ये वाला। गांव में नहर का पानी कल कल कटता बह रहा था। तो एक खालिस्तान में क्या आएगा? पहले वाले में नहर, और उसी में दूसरा, एक वाक्य में दो खालिस्तान है। देखो कहां कहां है, गांव में, उसके बाद खालिस्तान है, फिर का पानी, फिर खालिस्तान, फिर करता बह रहा था। तो गांव में नहर का पानी कल कल करता बह रहा था। ठीक है, दूसरा है, मनुष्य ने कहा भैंस बहुत होती है। मनुष्य ने कहा भैंस बहुत क्या होती है? बलवान। दूसरे खालिस्तान में वाला आएगा बलवान। क्या है बच्चों? बलवान। भैंस, मनुष्य ने कहा भैंस बहुत बलवान होती है और मैं उससे कैसे जीत सकूंगा। अब तीसरा खालिस्तान, भैंस बड़ा दूध देती है। भैंस बड़ा दूध देती है। भैंस बड़ा कौन सा दूध देती है बच्चों? मीठा। तो तीसरे खालिस्तान में आएगा मीठा। क्या है बच्चों? मीठा। चौथा है जैसा फिर वैसा। तो जैसा करोगे। चौथे में बच्चे दो खालिस्तान है, पहले में तो आएगा करोगे और दूसरे में आएगा भरोगे। पहले खालिस्तान में क्या आएगा? जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, तो मैं पूरे एक बार फिर पढ़ के बताती हूँ। गांव में नहर का पानी कल कल करता बह रहा था। दूसरा खालिस्तान है, मनुष्य ने कहा भैंस बहुत बलवान होती है। दूसरे खालिस्तान में बलवान। तीसरा है भैंस बड़ा मीठा दूध देती है, तीसरे में मीठा। चौथा जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, अब इसके बाद आ रहे हैं स्तंभ कह का मिलान स्तंभ कैसे करो। स्तंभ क का मिलान स्तंभ कैसे करो, है ना? ये तो आ गया अपना क। ये प्रश्न दूसरा वाला है खालिस्तान। तो ये मैंने बोल के बता दिया आपको, ये बुक में से बुक में कर लेना, रिक्त स्थान है ये। ठीक है, है ना? और ये तीसरा वाला है, तीसरा वाला है। देखो क्या लिखा है, स्तंभ स्तंभ कर का मिलान, कह का मिलान किससे करो? ख से। ख से करो, कह का मिलान ख से करो। ठीक है, अब देखो क में क्या क्या है। एक इसमें है भैंस और घोड़ा। भैंस और घोड़ा, और इधर लिखा हुआ है मार मार कर अधमरा कर दिया। फिर मिलान बाद में करके पहले देखो, मार 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 कर अधमरा अधमरा कर दिया। ठीक है बच्चों, अब ख वाला है या ख, भैंस ने घोड़े को, भैंस ने घोड़े को, और यहां लिखा हुआ है भैंस बड़ा मीठा दूध देती।
क्या है? मनुष्य ने कहा, इसका लिखना नहर पर पानी पीते थे, नहर पर पानी क्या करते थे बच्चों? पानी पीते थे, नहर पर पानी पीते थे। अब ये घ वाला देखो, घ वाला क्या लिखा है? घोड़े ने कहा, घोड़े घोड़े ने बच्चों कहा, घोड़े ने कहा। देखो भैंस बहुत बलवान होती है, भैंस बहुत बलवान, बलवान है, बलवान होती है। ठीक है बच्चों, अब मैंने ये क और ख ऐसे लिखे, अब अपन मिलाएंगे। देखो भैंस और घोड़ा क्या करते थे? भैंस और घोड़ा नहर पर पानी पीने जाते थे, तो इसका इससे मिलान हो गया। भैंस ने घोड़े को क्या कर दिया? मार मार कर अधमरा कर दिया, दूसरे नहीं। ये मनुष्य ने कहा भैंस बहुत बलवान होती है, तीसरे में ये थोड़ा ऐसे करके। ठीक है बच्चों, ये ठीक है। अच्छा घोड़े ने क्या कहा? घोड़े ने कहा भैंस बड़ा मीठा दूध देती है। अब ये मिलान हो गया, भैंस और घोड़ा क्या करते थे? नहर पर पानी पीते थे। दूसरा आएगा भैंस ने घोड़े को मार मार कर अधमरा कर दिया, इसको इससे मिला दिया। मनुष्य ने कहा भैंस बहुत बलवान होती है, इसको इससे मिला दिया। घोड़े ने कहा भैंस बड़ा मीठा दूध देती है। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको ये प्रश्न पहला बताया, उसके सारे क्वेश्चन आंसर मैं व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करूंगी। दूसरा प्रश्न खालिस्तान है, वो आप बुक में भरोगे, और तीसरा जो है ये भी आप बुक में मिलान कर लेना। ठीक है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप कॉपी में कर सकते हो। ठीक है, तो अब जो मैंने आपको ये तीन बताए, इसको आपको कायम करने बच्चों, दो दो दूसरा और तीसरा तो बुक में करना है, और जो मैं पहला आपको व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करूंगी वो आपको कॉपी में करना है, और अगर बुक नहीं है जब आप इसको कॉपी में करोगे। ठीक है, तो अच्छा अच्छा वर्क करोगे और मंडे को जो है अपनी कॉपी लेके आओगे चेक करवाने के लिए। ठीक है, सारे विषय की कॉपी स्कूल में लेके आओगे ताकि हम आपकी कॉपी चेक कर सकें। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।